मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किचन की चिपचिपी टाइल्स को हम किस तरह से साफ करें। तो आप देख रहे हैं, ये छोटा सा मेरा किचन है दोस्तों, और सबसे पहले तो मैं जो मेरे किचन के कबर्ड बने हुए हैं, सभी कबर्ड में जो भी डब्बे रखे हैं सबके नीचे मैंने पेपर बिछाकर बोरिक पाउडर डाल दिया। बोरिक पाउडर आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, और कॉकरोच भगाने के लिए बोरिक पाउडर सबसे अच्छा लगता है मुझे। जब भी मैं बोरिक पाउडर अपने कबर्ड में डालती हूँ दोस्तों, तो हमेशा मेरे यहाँ से कॉकरोच कम से कम 2 से 3 महीने तो दिखाई नहीं देते हैं। तो समय समय पर मैं इस तरह से बोरिक पाउडर डालती हूँ, और साथ ही साथ जो किचन की जो हमारी चिपचिपी टाइल्स है, क्योंकि किचन में ही सबसे ज़्यादा जो चिपचिपापन है वो किचन में ही आएगा दोस्तों, पूरे समय ही किचन का काम रहता है, तो सब्जियों के छींटे बघार उड़ता ही है चाहे हम कितना भी बचाएं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ लिया है खाने वाला मीठा सोडा, जिसे कि हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया क्लीनिंग एजेंट है, बहुत ही डीपली क्लीनिंग करता है बेकिंग सोडा। साबुन से तो हम हमेशा साफ़ करते हैं, गीले कपड़े से पोंछते भी हैं, परंतु सप्ताह में एक बार आप चाहें तो इस तरह से भी डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। तो बेकिंग सोडा जो होता है दोस्तों, उसमें हमें मिलाना है विनेगर। तो जब भी हम सोडे में विनेगर मिलाते हैं, दोनों के बीच जो रिएक्शन होता है, उसके बाद आपको इस पेस्ट से अपने किचन की चिपचिपी टाइल्स को साफ़ करना है। आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया चमक आती है दोस्तों। तो कुछ इस तरह के मैंने ब्रश लिए हैं, ये देखिए स्कॉच ब्राइट का ये ब्रश है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि कई जगह ऐसी होती हैं किचन में जहां हमारा हाथ नहीं जा पाता, तब के लिए ये वाले ब्रश बहुत ही यूज़फुल रहते हैं। तो इस तरह के सिंक के लिए ब्रश आता है, कई बार खाने पीने की चीज़ें सिंक में फंस जाती हैं, पानी ठीक तरह से नहीं निकलता है, तब के लिए ब्रश बहुत अच्छा है। ये ब्रश आप देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही सस्ता है, इसमें लिक्विड भर जाता है दोस्तों, और जब आप किसी भी चीज़ को रब करेंगे ना, तो इन ब्रश के तारों के द्वारा वो लिक्विड धीरे धीरे से निकलता रहता है, तो सफाई भी अच्छी हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैंने इस तरह से विनेगर और सोडा, जिसे मैंने खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इस ब्रश में चारों तरफ खूब अच्छी तरह से डिप कर लूँगी। ये देखें, थोड़ा पानी निथार लिया मैंने ताकि गिरने ना पाए, और बस किचन के ऊपर जो साइड की टाइल्स हैं, प्लेटफॉर्म है, सब में मैं इसे बहुत अच्छी तरह से लगाऊंगी। खूब ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमने लिया ही यहाँ पर जो सोडा और विनेगर है, वो खुद ही बहुत अच्छी सफाई करते हैं। आप एक बार इस तरीके से अपने किचन की चिपचिपी टाइल्स को साफ़ करके देखें, ना हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई नुकसान होगा, ना टाइल्स पे कोई नुकसान होगा, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि बहुत डीपली क्लीनिंग होगी। और विनेगर तो ऐसा होता है दोस्तों, किचन में जो गंदगी है खाने पीने की चीज़ों के कारण, जो जर्म्स हो भी जाते हैं, वो भी विनेगर के कारण बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। विनेगर अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है, किसी भी चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए हम उसमें विनेगर का इस्तेमाल करते हैं। और आज सफाई में जो हम सोडा और विनेगर ले रहे हैं, वो हमारे किचन को, किचन की टाइल्स हैं, मतलब हाइजीनिक तौर पर भी ये बहुत ही बढ़िया है। तो बस ये घोल अगर आपको कम लगे दोस्तों, क्योंकि इसे बना कर ना रखें, आप दोनों को मिक्स करते जाएं, बनाते जाएं, और पूरे किचन के टाइल्स में प्लेटफॉर्म पर आप इसे खूब अच्छी तरह से लगाएं। अभी देखिएगा, अभी तो मैं सिर्फ लगा रही हूँ, जब गीले कपड़े से हम पोछेंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया चमक आती। प्लेटफॉर्म पर भी मैं बस इसे ही अच्छी तरह से लगाती जा रही हूँ, और खासकर जो हमारे प्लेटफॉर्म के किनारे होते हैं ना दोस्तों, आप देख रहे हैं ये जो बॉर्डर सी बनी हुई है किनारे, इसमें ज़्यादातर जब हम प्लेटफॉर्म को साफ़ करते हैं, तो थोड़े बहुत खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर अड़ जाती हैं, मतलब अटक जाती हैं, जिन्हें साफ़ नहीं करते हैं तो फिर कॉकरोच होने का डर रहता है, खासकर रात के समय कॉकरोच आ ही जाते हैं। तो इस पट्टी को साफ़ करना आप बिल्कुल ना भूलें। तो आप देख रहे हैं, इस ब्रश के द्वारा मैंने जो भी खाने पीने की चीज़ें, आटा, हम रोटी बनाते हैं दोस्तों, तो थोड़ा बहुत पलथन गिरता ही है, चाहे हम कितना भी ध्यान रखें, तो किनारे को साफ़ करना बिल्कुल ना भूलें। तो ऊपर के भी ये जो सनमाइका के कबर्ड लगे हैं दोस्तों, सबको मैंने अच्छी तरह से साबुन वाले कपड़े से ऊपर वाले हिस्से को पोंछा है, और सब्जियों के छींटे लगने के कारण दोस्तों जगह जगह ये जमाव हो गया है, तो सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से रगड़ लिया है।
और बस इसके बाद आप खूब अच्छी तरह से गीले कपड़े से पोछें। समय समय पर अपने किचन में बोरिक पाउडर जरूर स्प्रिंकल करें। आप चाहें तो बोरिक पाउडर का स्प्रे बनाकर स्प्रिंकल करें, स्प्रे करें, उससे भी आप देखेंगे कि घर में कॉकरोच नहीं होने पाएंगे और साथ ही साथ चींटियों की समस्या भी हल होगी। विनेगर की खुशबू थोड़ी सी तीखी होती है दोस्तों, तो आप देखिएगा जब आप इस तरह से पोछेंगे ना तो बिल्कुल भी चींटी नहीं होगी। खासकर जो बारिश का मौसम होता है उसमें सबसे ज़्यादा डर रहता है, मक्खी मच्छर इनका तो डर रहता ही है दोस्तों, साथ ही साथ कॉकरोच और चींटी की समस्या भी बढ़ जाती है। तो पूरे किचन में मैंने इसे खूब अच्छी तरह से लगा लिया है। अब एक बार सभी चीज़ को मैं गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी। सिंक को साफ़ करने के लिए तो आप कोई भी लिक्विड सोप लें, जो भी आपके पास है, विम बार है, जो भी आप यूज़ करते हैं दोस्तों उससे आप लें। तो ये ब्रश मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि किचन के अंदर बिल्कुल कोने में गोलाई का जो हिस्सा है डीपली सफाई हो जाती है। तो इस तरह के कुछ ब्रश हों तो हमें साफ़ करने में और आसानी होती है, समय की भी बचत होती है हमारे। तो सिंक में भी अच्छे से लगा दिया है और यदि सिंक में भी जैसे मान लीजिए बदबू आती है दोस्तों, तो आप चाहें तो आधा नींबू या नींबू का छिलका भी आप सिंक में रख देंगे तो पूरे समय सिंक से जो बैड स्मेल आती है वह बैड स्मेल भी नहीं आएगी। खासकर बारिश के मौसम में दोस्तों कितनी भी सफाई रखें पर थोड़ी सी एक स्मेल सी आती ही है। तो आप चाहें तो आधा कटा हुआ नींबू रख सकते हैं या नींबू का छिलका भी रख सकते हैं, इसे सिंक में बास नहीं आएगी। तो प्लेटफॉर्म को दोस्तों मैंने फिर से एक बार, ये देखिए ये स्पंज क्लॉथ होता है, ये भी क्लॉथ मुझे बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से धुल जाता है और तुरंत ही पूरा जो पानी है वो इसे हम निचोड़ सकते हैं, तो मुझे ये बड़ा पसंद है। और इस क्लॉथ को धोकर रखना बिल्कुल ना भूलें। इसे भी मैं साफ़ करने के बाद प्लेटफॉर्म को खूब अच्छी तरह से धो देती हूँ। अब इन पट्टियों में किनार में जो खाना लगा हुआ था, जो भी चावल अवल के या आटे के जो भी पार्टिकल्स लगे हुए थे दोस्तों, सबको मैंने इस तरह से इस स्पंज क्लॉथ की सहायता से पकड़कर साफ कर दिया है। ये देखिए, तो जो भी खाने की चीज़ें थी आपने भी देखा होगा दोस्तों कि ये फंस ही जाती हैं। सभी ब्रश को वापस धोकर रखना बिल्कुल ना भूलें। तो सिंक के ऊपर, नल के ऊपर इसलिए रखा है ताकि पानी निथर जाए। नेफ्थलीन बॉल्स आती हैं दोस्तों, यदि नींबू नहीं डाल रहे हैं तो एक नेफ्थलीन बॉल्स ज़रूर डालें सिंक में, बिल्कुल भी मक्खी मच्छर नहीं होंगे और सिंक से बैड स्मेल नहीं आएगी। 10 से 15 दिन हमारी नेफ्थलीन बॉल चल जाती है क्योंकि जल्दी पानी में घुलती नहीं है। तो इस तरह से हम यदि सफाई रखेंगे दोस्तों तो काम भी आसान हो जाएगा और साथ ही साथ मक्खी मच्छर और कॉकरोच से हमें निजात भी मिलेगी। तो आप देख सकते हैं ये छोटा सा यही किचन है जिसमें मैं ज़्यादातर पूरे समय शूटिंग करती हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आप लोगों को ज़रा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक देना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही कमेंट ज़रूर करिएगा मुझे कि वीडियो मेरा कैसा लगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।